इसमें भैया ने काजू, किशमिश, रबड़ी, पिस्ता, सकते हैं 2 क्विंटल का यहाँ पर चाय बनेगा। इतनी सारी मलाई डाल रहे हैं, दूध का चाय बनाते हैं। एक बार में ये है 30 लीटर। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हम हैं चांदमारी पे, और चांदमारी पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चांदमारी को ओवरब्रिज उतरा हुआ है। और यहाँ से जैसे ही ओवरब्रिज से आप अंदर लेंगे तो अंदर आते ही यहाँ पे एक शॉप है जिनका नाम है राहुल ब्रदर्स लस्सी कॉर्नर। और इनके यहाँ की सारी चीज़ें यार क्या है और कितने क्वान्टिटी में बनाते हैं ना, चलिए वो तो हम आपको शॉप पर चल के दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो भाई, एज यू कैन सी वी आर ऑन द शॉप। अब चलिए आपकी बात कराते हैं हम यहाँ पर भैया से। तो भैया कैसे हैं? ठीक है। तो भैया क्या क्या बेचते हैं आप शॉप पे? यही है, मक्खन, ब्रेड है, दही है, रबड़ी है, लस्सी है, गुलाब जामुन है। तो भैया रेट क्या रहता है आपकी लस्सी का? लस्सी रेट 40 रुपये है। और बाकी सबके भी रेट है वो बता दीजिए, गुलाब जामुन वगैरह ये? गुलाब जामुन 15 रुपये का है। और चाय? चाय इधर से स्टार्ट है 46 रुपये का है, 30 है, 25 है, 20 है, 10 है, 15 है। तो और भैया आपका ये मक्खन ब्रेड जो बताया उसका क्या रेट रहता? उसका 25 रुपये रेट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें बेचते हैं यहाँ पे, और हम आपको अब दिखाते हैं कि इनकी क्वांटिटी क्या रहती है, एक बार हम कितने क्वांटिटी में ये रेडी करते हैं। एक बार अपनी शॉप की टाइमिंग बता दीजिए। टाइमिंग सुबह 3 बजे से रात को 12 बजे। तो इनकी टाइमिंग रात को 12 बजे तक यहाँ पर शॉप खुली रहती है, तो आप रात को 12 बजे भी अगर इधर के एरिया में तो कभी भी यहाँ पर आके इनके सारी चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इनकी दिखाते हैं कैसे क्या बनाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पर भैया अपने शॉप पर यहाँ पर दूध को खौलाया जा रहा है। यहाँ पर आप एक बार गाइस आप क्वांटिटी देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे भैया यहाँ पे इनके यहाँ दूध को खौलाया जा रहा है। तो भैया सारे दूध का चाय बनेगा? हाँ, सब चाय बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे दूध का यहाँ पे चाय बनेगा। तो भैया कितने लीटर दूध का चाय बनाते हैं आप एक बार में? ये है 30 लीटर दूध का बनेगा, 30 लीटर। और यहाँ पे कितने लीटर दूध खोल रहे हैं आपका? आपका सर 2 क्विंटल दूध है। तो गाइस 2 क्विंटल इनके यहाँ दूध खोल रहा है और इन सब का चाय बनेगा, दूध खोलाया जा रहा है। सोच सकते हैं कि 2 क्विंटल का यहाँ पर चाय बनेगा। तो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पर भैया हम लोग की लस्सी बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। देख सकते हैं कि भैया ने इसमें भैया ये रबड़ी डाल रहे हैं ना भैया? भाई देखिए क्या ही कहना, देखने में इतने मज़ेदार लग रहा है। भैया इसमें किशमिश डाल रहे हैं, देख सकते हो भी इतने मात्रा में। गाइस आप जान सकते हैं कि ये लस्सी ओनली 40 रुपीज़ की, सिर्फ 40 रुपये की है। और इसमें अब भैया काजू के टुकड़े डाल रहे हैं, वो भी इतने सारे मात्रा में। भाई क्या ही कहना। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग की लस्सी यहाँ पर जा रही है कप में, और यार देखिए कितने मज़ेदार दिख रहे हैं आप, देखने में इतना ज़्यादा मज़ेदार यम्मी लग रहा है ये, पीने के बाद तो मज़ा ही आ जाएगा। ये क्या डाले हैं? पिस्ता है। गाइस सुन सकते हैं यहाँ पे भैया ने ऊपर से पिस्ता डाला है। हम लोग की लस्सी अब बनकर तैयार हो चुकी है। तो गाइस देख सकते हैं कि ये लस्सी कितना मज़ेदार है, इसमें भैया ने काजू, किशमिश, रबड़ी, पिस्ता, इतना मज़ेदार लग रहा है बस इमेजिन करो। बहुत ही मज़ेदार है यार, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। इसकी जो रबड़ी की टेस्ट है और उसमें काजू और जो पिस्ते की जो टेस्ट आ रही है ना, इसे बहुत ज़्यादा यूनिक बना रहा है, बहुत ज़्यादा यूनिक। अब बनारस में तो मैंने कभी भी ऐसा लस्सी कहीं भी पिया नहीं है भाई साहब, पूरे ज़्यादा तो खाने में मज़ा है। बिकॉज सनी भाई ऐसा इसलिए कह रहे हैं, बनारस की शायद ही ऐसी कोई जो अच्छी लस्सियाँ होती है, शायद ही कोई ऐसी हो जिसे सनी भाई ने अभी तक टेस्ट नहीं किया हो। बहुत ही मस्त है, बहुत ही मज़ेदार है। और गाइस देख सकते हैं ये लस्सी कम रबड़ी ज़्यादा और रबड़ी बहुत ज़्यादा है इसमें, रबड़ी की मात्रा बहुत ज़्यादा है भैया डाला। तो गाइस हमने तो अपने लस्सी का टेस्ट कर लिया है, लस्सी भाई साहब इतना मज़ेदार कि था कि भाई साहब मैं क्या कहूँ, बहुत ही मज़ेदार तो? भाई यार 5 to 5 बिना कुछ कहे बता रहा हूँ, अपनी पूरी लाइफ मैंने ऐसी कभी लस्सी नहीं पी है। तो बनारस की मैं नाम नहीं लूँगा, ये नहीं है, खाया गया लस्सी, खाया गया ये खाया गया। एक्चुअल में इतना ज़्यादा डेंस था, इसको खाया गया, पिया नहीं गया। और मैं बता रहा हूँ मैं किसी भी शॉप का नाम नहीं लूँगा, बनारस की जितनी बेस्ट शॉप से लस्सी की मैंने सब पी, लेकिन ऐसा लस्सी लाइफ में मैंने नहीं पिया, बनारस क्या लाइफ में मैंने नहीं पिया कभी। तो सन्नी भैया अब चलते हैं, यहाँ का लस्सी इतना मज़ेदार है तो चाय भी मज़ेदार होगा। हाँ, चाय का भी टेस्ट कर लेते हैं यार। गाइस देख सकते हैं यहाँ पर शॉप पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी लगा रहता है, यहाँ पर इनके शॉप पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर चाय और लस्सी का टेस्ट करने। ठीक है, राहुल ब्रदर्स लस्सी कॉर्नर यहाँ का नेम है।
तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, व्यू भी देख सकते हैं कि काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर सिर्फ यहाँ का लस्सी का टेस्ट करने। तो चलिए चलते हैं, भैया से मिलते हैं, आपको बताते हैं फिर आगे। तो गाइस एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा ब्रेड बटर रेडी हो रहा है, जिसमें भैया ने बहुत सारे बटर का यूज़ किया है। और ये भैया बता रहे देसी मक्खन है। तो भैया ये आप अपने यहाँ बनाते हैं? तो भैया यहाँ पे जो मक्खन यूज़ करते हैं भैया अपने यहाँ ही बनाते हैं। तो इसमें भैया ने खुद के यहाँ ही बनाया हुआ मक्खन, तो भैया ने इसमें देसी मक्खन यूज़ किया है। और ऊपर इसमें देख सकते हैं इसमें कितने ज़्यादा बटर का यूज़ हुआ है, जिसमें से बटर इसमें साफ साफ निकल के बह रहा है। तो चलिए हम जल्दी से टेस्ट करके आपको इसका रिव्यू देंगे, जो कि देखने में तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। और साथ में इनके यहाँ के भैया की हम चाय को भी टेस्ट करेंगे। तो चलिए हम आपको रिव्यू देते हैं, बिकॉज हमारा ब्रेड बटर तो बन के रेडी हो गया और यहाँ पे हम जा रहे हैं चाय लेने। ये देख सकते हैं भैया ये मक्खन आप अपने यहाँ बनाते हैं? तो ये मक्खन भैया अपने यहाँ खुद का बनाते हैं, ये देसी मक्खन है इनका। और वहाँ पे हमारा ब्रेड बटर जो है वो रेडी हो गया, जिसे भैया सर्व कर दिया। और ये आ गया हमारा ब्रेड, हमारा ब्रेड बटर भी रेडी हो गया और यहाँ पे हमारा चाय सर्व हो रहा है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कुल्हड़ है यहाँ पे ये, तो आप देख सकते हैं 40 की चाय बेचते हैं भैया, इसमें कितनी सारी मलाई डाल रहे हैं यार, देखो देखने में कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट करके आपको इसका रिव्यू देते हैं। तो अमन बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, चलो चलते हैं एक बार। गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पर भैया के का चाय और ब्रेड बटर, ब्रेड बटर। तो चलिए ज़्यादा वेट ना कराते हुए आपको रिव्यू देते हैं इसका। नहीं तो यहाँ की लस्सी का टेस्ट कर लिया, उसका रिव्यू आपको बता ही दिया। अब यहाँ पर अमन यहाँ का चाय और ब्रेड मक्खन का टेस्ट करके आपको रिव्यू देगा। तो अमन टेस्ट करके बताओ आखिर यहाँ के चाय और तो सनी भैया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ का जो ब्रेड बटर है ये कितना ज़्यादा बटरी है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा बटरी है यार, मतलब क्या ही लग रहा है। बटर भैया ने यूज किया वो खुद के यहाँ। तो चलिए इसे टेस्ट करके इसका रिव्यू देते हैं। अमन कैसा है टेस्ट? बहुत मस्त है यार, मतलब ऐसा बटर खाया ही नहीं है, बस यही मानूंगा बहुत मस्त है, बहुत ज़्यादा बटरी है। तो गाइस अमन ने तो ब्रेड मक्खन का टेस्ट कर लिया, आपको बता दिया, अब अमन जाएगा यहाँ की चाय का टेस्ट। और मेनली आई थिंक यहाँ बटर में ना भैया खुद का बटर बनाते हैं, इसके यहाँ बटर में बहुत ही बेहतरीन क्रीमीनेस आ रही है, ये क्रीमी टेक्स्चर जो होता है वो आ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। साथ में बाहर से जितने भी बटर होते हैं ना उसमें क्रीमीनेस आती नहीं, बहुत मस्त है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे चाय भी देखने कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है, इसमें भैया ने कितने सारे तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं और आपको इसका रिव्यू देते हैं। यार मलाई तो बहुत ज़्यादा है यार इसमें, आई थिंक बहुत मस्त होगा, आप देख सकते हैं। चलिए इसे टेस्ट करके अब आपको इसका रिव्यू देते हैं। बहुत मस्त है सनी भैया, अच्छा है इसको टेस्ट करके लग रहा है, इसमें बहुत सारे इलायची का यूज़ किया भैया ने, इलायची का बहुत मस्त फ्लेवर आ रहा है। साथ में इसमें मलाई का भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है, इसमें इलायची का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आ रहा है यार, बहुत मस्त है, बहुत ही ज़्यादा मस्त है। तो गाइस मैं तो अभी इसे नहीं छोड़ने वाला, मैं जा रहा हूँ अभी अपने ब्रेड बटर और चाय को फिनिश करने, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। गाइस हमने यहाँ पर टेस्ट कर लिया इनकी चाय और बटर ब्रेड को, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो मैं बस यही कहूँगा यहाँ पे इनके जो लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन का जो आपको डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन का आपको लिंक मिल जाएगा, गूगल मैप से आप उस कोऑर्डिनेट्स को सर्च करके इनके लोकेशन पे आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे आए और कुछ टेस्ट करें ना करें, लेकिन यहाँ पे लस्सी इनकी ज़रूर टेस्ट करिएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होती है। तो आज और चाय भी इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा अंडररेटेड इनकी सारी चीज़ें, बिकॉज बनारस में हर एक जगह की लगभग सारी चीज़ों को टेस्ट किया हुआ, लेकिन इनके यहाँ की मतलब सभी चीज़ों के जो भी टेस्ट है, टेस्ट के साथ क्वालिटी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और भाई सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब तो कर ही देना यार।